चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा अयोध्या है जो राम भूमि है, वहाँ पे आपको हर चीज राम से जुड़ी हुई ही मिलेगी। जैसे हमने होटल जो बुक किया है वो भी श्री राम होटल ही है उसका नाम। चौखट पे चल के आज सरयू घाट जाने के रास्ते में हमें बहुत सारे पुराने घर और मंदिरें मिली हैं, जो कि हमें उस जमाने की याद दिलाती है जब यहाँ पे भगवान श्री राम रहा करते थे। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। और यहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि अभी बहुत डेवलप हो रहा है अयोध्या, और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। मंदिर निर्माण पूरा होने को है लगभग, और जब ये निर्माण हो जाएगा उसके बाद बहुत ज्यादा डेवलप करने का चांसेस है। यहाँ पे हर जगह आपका स्वागत जय श्री राम से ही होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। मंदिर जाना हो बताइए, गाड़ी आपका मंदिर तक ले चलेंगे। आपका राम जन्मभूमि 2 बजे खुलेगा। राम जन्मभूमि 2 बजे खुलेगा। अभी आपका पत्थर कार्यशाला जो मंदिर का काम चल रहा है, राम जी का राम दरबार, सीता जी का रसोई घर, 20 फुट के बड़े हनुमान, ये दिखाने के बाद जन्मभूमि के गेट पे आपका गाड़ी लगेगा। वहाँ से जन्मभूमि आपको आधा किलोमीटर के अंदर में हनुमानगढ़ी जन्मभूमि, ये दर्शन आपको खुद करना है। लास्ट में वहाँ गाड़ी लगेगा। मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। ये भी हम लोग आ गए हैं सरयू घाट स्नान करने के लिए। इस घाट को राम घाट कहते हैं, और एक और घाट है जिसको लक्ष्मण घाट कहते हैं। और जो दिवाली में जो दीप महोत्सव हुआ था वो लक्ष्मण घाट में हुआ था। 7 बजे गर्मी के टाइम पे होती है यहाँ पे आरती, और ठंडे में 5 बजे। ये कौन सा ग्रंथ है दादा? कौन सा ग्रंथ ये? तुलसी के रामायण। हाँ, तुलसी के रामायण। रामायण है ये? अच्छा, काफी पुराना लग रहा है। बहुत पुराना। और मतलब ये काफी पुरानी किताब है रामायण जो है, ये काफी पुराना लग रहा है। ये क्या बोल रहे हैं? बढ़वाना है इसको, बहुत बढ़िया से, तो बहुत पुरानी ग्रंथ है। हाँ, ये मिलने वाला कभी नहीं है। आप अयोध्या आपकी बार आगे 2 साल बाद और आइएगा तो आपको अयोध्या पूरा बदला हुआ मिलेगा। जो अभी राम भैया बहुत तेजी चल रहा है, अभी राम मंदिर पे जाएंगे, राम मंदिर आधा ज्यादा तो बन चुका है, 24 तक एक मंजिला कम्प्लीट हो जाएगा। ये हमारी फैमिली ट्रिप है और हम लोग सब आए हुए हैं और यहाँ पे अभी स्नान करेंगे। चलिए, अब स्नान करने का समय आ गया, कैमरा बंद करते हैं थोड़ी देर। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार में अभी हम लोग रेडी हो गए हैं स्नान करके, कपड़े उपड़े सब चेंज कर लिए। अभी जाएंगे हम लोग मंदिर, राम लला के जन्म स्थान घूमेंगे। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे देखने को, मजा आने वाला। अभी तो अभी हम लोग आ गए हैं सुश्री लता मंगेशकर जी के चौक पे। और इसके जस्ट अपोजिट आप देख सकते हैं बड़ा सा वीणा बना हुआ है, और बहुत ही सुंदर है ये।
और यहाँ पे आप लता जी के आवाज सुन सकते हैं, मतलब उनके ही भजन बज रहे हैं, उन्हीं के आवाज के भजन बज रहे हैं यहाँ पे। और ये मेरे को लगता है इससे अच्छा श्रद्धांजलि उनके लिए शायद ही कुछ होगा। रही दरस जलधर अभिलाखे तिन्हके हृदय सदन सुखदायक। ये हमारे गाइड है जो आगे आगे चल रहे हैं और हमें रास्ता बता रहे हैं। जो मंदिर बन रहा है राम जन्म, उसी का नक्शा है। हाँ, राम जन्म भूमि ये पहले दो पिलर का बना था, लेकिन अभी तीन पिलर का हो गया। इससे बड़ा नक्शा राम जन्म भूमि में रखा है, ये पहले का नक्शा है। अभी राम जन्म भूमि जो बन रहा है उसका यहाँ सारा पत्थर रखा है। सारा पत्थर सब राजस्थान के कारीगरों द्वारा नक्काशी की है। तो ये जैसे हमें निर्मल पांडे जी ने बताया, हमारे जो गाइड है, कि ये राम जन्मभूमि कार्यशाला है। और ये घंटा है जो रामेश्वरम से लाया गया है, ये 6 क्विंटल का घंटा है ये, जिसको राम मंदिर जो मेन बनने वाला है उस पे लगाया जाने वाला है। इस जगह आने के बाद मैं तो अपने पूरे इतिहास से जुड़ गया हूँ, पूरे तस्वीर के साथ, और सारा चीज़ बताया गया है कि कब क्या हुआ था। जैसे श्री राम ऋषि दर्शनार्थ यहाँ आए थे तो उनकी तस्वीरें हैं, हर जगह का तस्वीर, हर जगह का के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है यहाँ पे। मतलब इन शॉर्ट आपको सारी चीज़ें अयोध्या के इतिहास के बारे में यहाँ पे पता चल जाएगा यहाँ पे आके। राम चरण रति हो तिन्हके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। ये सारे जो मार्बल के पिलर्स वगैरह बने हुए, ये सब जो राम मंदिर बनने वाला है उस पर यूज़ होगा, ये वहीं पे लगने वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो श्री राम मंदिर भूमि कार्यशाला है वहाँ पे, और सोच रहे थोड़ा हम भी राम मंदिर में अपना हाथ बटा लें, तो इनसे भी बात करते हैं थोड़ा, आंटी से क्या है इसके बारे में बताएंगे। आप लोग सेवा कर रहे हैं।
तो ये सिर्फ यहीं पे बन रहा है या फिर और भी कहीं पे डिजाइन बन रहा है? आगे चल के डिजाइन बन रहा है, सफाई हो रहा है। अच्छा, सिर्फ यहाँ सफाई होता है, जहाँ डिजाइन बनता है वहाँ से आता है आप लोग सफाई करते हैं? ये बहुत दिन का पत्थर हो गया, कम से कम 20 साल का पत्थर हो गया है। 20 साल का पत्थर है ये? पाइप जमा था, उस पाइप साफ कर रहे हैं। कितना दिन से आप लोग कर रहे हैं इसको? 5 महीने से। 5 महीने आप लोग अयोध्या से ही है? आपका नाम क्या? वो यशोदा। वाह, बढ़िया नाम है। तभी वो वहाँ पे सफाई हो रही है और ये सफाई होके ये ऐसा चमक आ जाता है एकदम। डिटेल्स इसका बारीकी देखिए, बहुत ही सुंदर है। और सब हाथ से बनाया हुआ है? हाथ से ही बनाया हुआ ना? ये सारा हाथ से बना हुआ है, यहाँ के लोकल महिलाएं और लोग जुड़े हुए इसमें। काफी हैवी है ये, और देख सकते हैं आप यहाँ पे महिलाएं लाइव बना रही है खुद से तैयार कर रही है। अभी एक तरह से लाइव म्यूजियम टाइप काइंड ऑफ हो गया ये। और अब हम लोग आ गए हैं इस जगह पे जिसका नाम है जानकी घाट बड़ा स्थान। काफी सुंदर सुंदर चीजें यहाँ पे देखने को है। जय श्री। प्रभु रामचंद्र जी का राजमहल राम दरबार है। प्रभु रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष तक राज किया। यहाँ पे जब यहाँ पे सावन का पर्व पड़ता है, सावन के पर्व में सारी मंदिरों की मूर्ति निकाल करके मणि पर्वत पे झूला झूला जाता है। वही यहाँ पे भी इस मूर्ति को भी ले जा करके मणि पर्वत झूला झूलाने के बाद में लाके यहाँ स्थापित किया जाता है। यहाँ पे डेली साधु संत ब्राह्मणों का भोजन भी चलता है 12 बजे से 2 बजे तक, जो यहाँ पे डेली नित्य चलता रहता है। अभी दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट का भंडारा हुआ, जिसमें 56 प्रकार का भोजन रामचंद्र जी और सीता माता को भोजन में लगाया गया भोग, जो अभी 2 दिन पहले बीता है। आप लोग अंदर से जाइए, चौखट छू लीजिए, चलन छू लीजिए, उसके बाद रसोई घर पर रखें। तो एक कुत्ता नहीं है कि गुट अभी नहीं डाल रहे थे। ये महाराज जी का स्थान है यहाँ पे। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको। अभी हम लोग आए हैं एक चलचित्र जिसको बोल रहे हैं कि स्प्रिंग के माध्यम से आपको सारी घटनाएं जो हिंदू धर्म में जो हुए हैं बड़े बड़े घटनाएं, वो दिखाया गया है। जैसे भगवान शिव और माता पार्वती जी का शादी, और फिर भगवान कृष्ण का जन्म, फिर जो लंका में युद्ध हुआ था वो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई है स्प्रिंग के माध्यम से। और ये बहुत बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं जिसको एनिमेट किया गया है स्प्रिंग के माध्यम से, तो ये बहुत अच्छा है। मतलब इससे हम लोग अपने कल्चर से जुड़ रहे हैं और बहुत कुछ पता चल रहा है अयोध्या में आके। और आप अयोध्या आएंगे तो पूरा राममय हो जाएंगे। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये आभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई, रघुबर तुम्हारी तब
खुशियों के हमारे नाम ये लक्ष्मी द्वार यहीं पे आश्रम आश्रम जो वेब सीरीज आई थी इसकी दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी जीवन नैया तुमने तारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी निर्धन का तुम धन हो राघव तुम ही रामायण हो राघव सब दुख हरना अवध बिहारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी चरण की धूल ले लूं मेरे भगवान आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए तो अभी हम लोग जा रहे हैं राम लला से मिलने और भीड़ भी काफ़ी है रास्ते में और यहाँ पे हर जगह लड्डू वगैरह सब कुछ मिल रहा है और वेदर भी ऐसा अभी हम लोग जा रहे हैं 3-4 बज रहा है और सनसेट होने को आया है तो बहुत अच्छा टाइम है बहुत ही अलग वाइब है यहाँ पे और मुझे लगता है हर हिंदू को एक बार अयोध्या जरूर विजिट करना चाहिए ये राजा दशरथ का महल है अपने जमाने में क्या इसका आर्ट मजेदार माँ वैष्णो देवी का मंदिर वो सामने मुझे तीर धनुष दिख रहा है बहुत बड़ा सा अभी हम लोग यहाँ पे अपना मोबाइल वगैरह सारा जमा कर दे रहे हैं मंदिर में क्योंकि अलाउड नहीं है मोबाइल कैमरा जो भी है सारी चीजें तो अभी हम लोग यहीं पे जमा कर दे रहे हैं और फिर घूम के आते हैं फिर आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ये वहाँ पे सामने काम चल रहा है मंदिर का अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है इसलिए हम लोग लेके नहीं गए बट मैं बता रहा हूँ अंदर से देखने में ऐसा नज़ारा था ना ऐसा लग रहा था एक शहर बसा हुआ है बहुत पुराना हेरिटेज मस्त मज़ा आ गया देख के एकदम क्या व्यू था क्या आर्किटेक्ट और पुराना मतलब हमको लगता है 200-500 साल पुराना होगा ये पूरा शहर और हमने राम जी की मूर्ति देखी जहाँ पे रामलला विराजमान थे अभी छोटे से टेंट टाइप का जगह था वहीं पे थे वो अब हमको लगता है वो बहुत जल्द भव्य मंदिर में विराजमान होंगे मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ सामने वो भव्य राम मंदिर रहेगा और सामने इधर पीछे के साइड सनसेट होगा कितना प्यारा व्यू होगा मजा आ जाएगा एकदम उस टाइम में अभी ये हमारी लास्ट मंदिर जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी श्री हनुमानगढ़ी उसके बाद हम लोग वापस ये हनुमानगढ़ी बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर है यहाँ पे मैं तो फर्स्ट टाइम विजिट किया हूँ यहाँ पे अयोध्या खुशियों के हमारे